अगर आपके पास बुक के पेज की एक ऐसी इमेज है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसे एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि उस टेक्स्ट को कहीं यूज कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम 4 ऐसे मेथड सीखेंगे जिनकी मदद से आप एक इमेज के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। मेथड नंबर वन में आपने फर्स्टली सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन होने के बाद यहां से आपने लेना है जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा और यहां पर सबसे पहले हमने वो इमेज इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में जिस इमेज को के टेक्स्ट को हमने एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां से पिक्चर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसका टेक्स्ट जो है एडिटेबल टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास इमेज जो है ये पड़ी हुई है और इस इमेज को मैं कर लूँगा सिलेक्ट और ये इमेज जो है वो हमारे पास इंसर्ट हो गई है डॉक्यूमेंट में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने करना ये है कि इस फाइल को हमने करना है जी सेव फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ब्राउज कर लेंगे और डेस्टिनेशन जो है हम बता देंगे कहाँ पर सेव होनी चाहिए, तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और डेस्कटॉप में यहाँ पर इस फाइल का नाम रख लेते हैं जी सैंपल। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है बिल्कुल इसी के नीचे सेव एज टाइप वाले ऑप्शन को आप के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट हैं कि आपने किस फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना है। तो यहाँ से हम लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट, तो पीडीएफ फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद जस्ट इस फाइल को कर देना है सेव और ये फाइल जो है वो पीडीएफ में हमारे पास सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर। और अब इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज और इसे मैं सेव नहीं करता। अब देखें तो डेस्कटॉप पर हमारे पास ये फाइल आ चुकी है जिसका नाम क्या है सैंपल। अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इस फाइल को हमने ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगेन। तो आप देखें ओपन विद के ऊपर अब क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब फाइल ओपन होगी। तो यहाँ पे हमसे एक पूछा जाएगा कि आपको ये एडिटेबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आप ओके कर देंगे और उसके बाद ये फाइल जो है वो आपके सामने एडिटेबल फॉर्मेट में आ चुकी है। यहाँ पे देखें तो अब ये पिक्चर की शक्ल में नहीं है, ये टेक्स्ट आप जो है अब इसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी पे कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जो भी अपनी मर्जी का। तो अब ये एडिटेबल फॉर्मेट में हो चुकी है, तो इस टेक्स्ट को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेथड नंबर टू में आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर जब हम प्रोग्राम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम जो है, अगर आपके कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल है तो आपके कंप्यूटर में लाजमी वन नोट जो है वो इंस्टॉल होगा। तो आपने वन नोट सर्च करना है अपने कंप्यूटर में और यहाँ पर वन नोट ओपन होने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ से ये प्लस सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद पहले आपने अपनी फाइल जो है जो जिसका हमने क्या करना है टेक्स्ट कन्वर्ट करना है एडिटेबल टेक्स्ट में, उस फाइल को भी ओपन कर लें, उस इमेज को, इस इमेज को मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद आपने इमेज भी ओपन कर लेनी है और वन नोट में चले जाना है और वन नोट में यहां पर आपने जाना है जी इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इमेज हमने ओपन की हुई थी उसकी क्लिपिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने एरिया लेना है इसका, तो मैं पूरा पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये वन नोट में इमेज आ जाएगी हमारे सामने। और अब आपने करना क्या है, जस्ट इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है हमने और यहाँ पर देखें तो नंबर 3 पर हमारे पास ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, पिक्चर से जो टेक्स्ट है वो कॉपी करना है, तो आप इसे वो क्लिक कर लेंगे। अब आप वन नोट में यहाँ पे कहीं पर भी डबल क्लिक करें और ये टेक्स्ट आप यहाँ पर देखें तो ये एडिटेबल टेक्स्ट है, ये आपने पेस्ट कर लिया। इसी टेक्स्ट को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ये इसे आप पेस्ट कर सकते हैं, ये अभी हमने कॉपी किया हुआ था और यहाँ पर ये देखें तो ये टेक्स्ट हमारे सामने आ गया। इस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है या जहाँ पे यूज़ करने आप यूज़ कर सकते हैं।
मेथड नंबर थ्री, मेथड नंबर थ्री में आप ऑनलाइन जो है इस इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे आपने पहले आपने कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल से जीमेल से लॉगिन भी कर लेना है और यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी एप्लीकेशंस इस गूगल के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आपने चले जाना है ड्राइव के ऑप्शन में। गूगल ड्राइव में आने के बाद आपने उस इमेज को अपलोड करना है। ये न्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको हमने अपलोड करना है जी। ये इमेज को हम कर लेंगे सेलेक्ट और ये इमेज जो है वो अभी अपलोड हो जाएगी। इमेज के अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखें तो ये फाइल जो है, ये इमेज जेपीजी फाइल थी हमारी और ये अपलोड हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है ओपन विद। तो आप पहला ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओपन विद गूगल डॉक्स, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो हमारी वेबसाइट है गूगल डॉक्स, ये क्या करेगा हमारी इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले तो हमारी इमेज का प्रीव्यू हमें दिखाया जाएगा। अब ये लोड होने के बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारी इमेज है और इसके बिल्कुल नीचे अगर स्क्रॉल अप करें तो दूसरे पेज पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने। इसी इमेज का वो टेक्स्ट कंप्लीट उसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया और अब इस टेक्स्ट को जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करें और इस टेक्स्ट को जो है वो राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर लें और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट्स में और अपने यूज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट हमारा आ गया, ये एडिटेबल टेक्स्ट बन गया, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेथड नंबर फोर, मेथड नंबर फोर जो है वो भी हमारे पास ऑनलाइन है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर गूगल में आप लिखेंगे इमेज टू टेक्स्ट और जस्ट ये लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास है ऑनलाइन ocr.net, ये वेबसाइट आपने सेलेक्ट कर लेनी है दूसरा लिंक और आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, जस्ट जो है उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फाइल, तो आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वो इमेज जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इमेज अपलोड होगी और उसके बाद जस्ट इसके सामने आप देखें तो कन्वर्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है एक बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये वेबसाइट जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगी। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने आपका ये देखें जी टेक्स्ट में जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखें तो ये नीचे दिखाया जा रहा है और आपके सामने ये ऑप्शन भी है, आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं वर्ड की फाइल में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें वर्ड की फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये वर्ड में कन्वर्ट करके हमें उसने दे दिया जो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो ये फोर मेथड थे कि किस तरह से हम एक इमेज के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इनको अप्लाई कीजिएगा